Hello, good afternoon, my friends. I am Naval, and you are watching Manav Fitment Channel. आज हम आपको preposition over के बारे में बताएंगे कि इसका use कहाँ और किस तरह किया जाता है. देखिए over का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसका हिंदी में अनुवाद ऊपर के लिए होता है, लेकिन over के हिंदी में कई अर्थ होते हैं. वो आपको आज समझने हैं. देखिए ओवर का अर्थ ऊपर के लिए होता है, ओवर का अर्थ ऊपर के लिए होता है. इससे कई तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, कई तरह के भाव निकलते हैं. ओवर का प्रयोग ऊपर के लिए करते हैं, लेकिन इससे कई तरह के भाव निकलते हैं. फर्स्ट देखिए ओवर का प्रयोग के ऊपर के लिए, ओवर का प्रयोग के ऊपर के लिए, लेकिन बिना स्पर्श के, बिना टच हुए उसके लिए आपको क्या लगाना है, ओवर लगाना है. जैसे द लैम्प हैंग ओवर द टेबल, द लैम्प हंग ओवर द टेबल, दीपक मेज के ऊपर लटका है. अब दीपक को जब मेज के ऊपर लटकाएंगे तो ये दीपक है, अगर ये मेज है और लैम्प को लटका दिया तो उससे टच नहीं हो रहा है, टच नहीं होगा तो क्या लगाना आपको, ऊपर के लिए ओवर लगा. क्लियर. आगे ओवर का प्रयोग दूसरी ओर जाना, जब हम एक जगह से दूसरी जो ओर की ले जाते हैं तो उसके लिए क्या लगाना है, ओवर, लेकिन ऊपर होके जाए. जैसे ही जंप ओवर द बॉल, ही जंप ओवर द बॉल, वह दीवार से फलांगा, दीवार को आप फलांगेंगे तो एक ओर से दूसरी ओर के लिए जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आपको क्या लगाना है, ओवर. क्लियर. आगे ओवर का प्रयोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ओवर का प्रयोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक. अगर किसी सेंटेंस में एक किनारे से दूसरे किनारे तक कोई व्यक्ति या वस्तु जाए उसके लिए आपको ओवर लगाना है. जैसे देखिए देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर, यानी नदी के ऊपर एक पुल है. अब जब नदी के ऊपर एक पुल होगा, जैसे ये समझ लो ये पुल और ये नदी है, अब नदी यहां से स्टार्ट हुई, अब यहां से स्टार्ट होगी इधर जाएगी, पुल इधर जाएगा, तो एक ओर से दूसरे ओर के लिए, तो एक ओर से दूसरी ओर के लिए क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं. क्लियर. आगे ओवर का प्रयोग एक किनारे से दो किनारे तक, आगे है ओवर का प्रयोग अधिक के लिए करते हैं, ओवर का प्रयोग अधिक के लिए करते हैं, तुलना में देखो. जैसे आई हैव ओवर 30 बुक्स, मेरे पास 30 किताब से अधिक हैं, मेरे पास 30 किताब से अधिक हैं. जब अधिक वाली बात होगी तो आपको क्या लगाना है, ओवर लगाना है. क्लियर. आगे देखिए ओवर का प्रयोग विभिन्न भागों से होकर, विभिन्न जगहों से होकर निकलना, पासिंग थ्रू, तो उसके लिए क्या लगाना है, ओवर. जैसे देखिए ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप, उसने पूरा यूरोप घूम लिया. अब व्यक्ति पूरा यूरोप घूमेगा तो सारी जाहिर बात सारी जगह घूमेगा, तो सारी जगहों से होकर यानी विभिन्न विभिन्न जगहों से होकर गुजरेगा तो आपको उसके लिए क्या लगाना है, ओवर लगाना. देखिए द्वारा ओवर का प्रयोग विभिन्न भागों से होकर के लिए करते हैं. जैसे मैंने पूरा भारत घूम लिया तो हर भारत के कोने कोने में, हर भारत का शहर सारी चीज देखी होंगी, तो हर जगह से विभिन्न विभिन्न जगहों से होकर निकला तो उसके लिए क्या लगा दिया, ओवर. आगे देखिए ओवर का प्रयोग अंत तक के लिए करते हैं, ओवर का प्रयोग अंत तक, एंड तक. जैसे आर यू स्टेइंग इन दिल्ली ओवर क्रिसमस, क्या आप क्रिसमस तक, यानी क्रिसमस के अंत तक, क्या आप क्रिसमस तक दिल्ली में रुक रहे हो. अब अंत तक की वाली बात कर दी, क्या लगा दिया, ओवर. क्लियर. आगे ओवर का प्रयोग के संबंध में या के विषय में,
यदि किसी सेंटेंस में के संबंध में या के विषय में दिया जाए, आपको ओवर का यूज करना है, ओवर ओवी या ओवर का यूज करना है। देखो जैसे ही हैड नो डिफिकल्टीज ओवर हिज इनकम टैक्स, तो उसे अपने आयकर में या उसे अपने आयकर संबंध में कोई परेशानियां नहीं थी, उसे अपने इनकम टैक्स में कोई परेशानियां नहीं थी, यानी इनकम टैक्स के संबंध में या इनकम टैक्स के विषय में, जिसमें के संबंध में या के विषय में आए तो उसके लिए आपको ओवर का यूज करना है, ओवर। क्लियर? आगे ओवर का प्रयोग ज्यादा के लिए करते हैं, ज्यादा, जैसे ही स्पेंट ओवर 500 रुपीज फॉर दिस शो, उसने इस शो के लिए, उसने इस शो के लिए 500 रुपए से ज्यादा खर्च किए, 500 रुपए से ज्यादा, ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं, ओवर, क्या यूज होगा, ओवर। क्लियर? अगर किसी सेंटेंस में ज्यादा वाली बात हो क्या लाएंगे, ओवर, जैसे वह बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो ही इज टू स्मार्ट, ही इज ओवर स्मार्ट। टू का प्रयोग मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, जो एयरफोर्स की वीडियो में आएगा, एयरफोर्स की एग्जाम में आता है, उसमें ना टू का यूज करा दिया है, उसमें देख लीजिए, उसका भी मतलब ज्यादा होता है, वहां वो एडवर्ब का काम निकाल करता है, और इधर ये जो ओवर दिया है या प्रपोजिशन का कार्य कर रहा है, और ओवर का हिंदी मर्द होता है ज्यादा, और ज्यादा के लिए आपको क्या लगाना है, ओवर। आगे देखिए ओवर का प्रयोग समाप्त, ओवर का प्रयोग समाप्त के लिए करते हैं, जैसे द मैच इज टू ओवर, मैच समाप्त होने वाला है, मैच समाप्त होने वाला है। अब समाप्त वाली बात हो गई, जब समाप्त वाली बात होगी तो आपको क्या लगाना है, ओवर। क्लियर? देखिए आगे, आप भी देखिए ओवर का प्रयोग के द्वारा, जब किसी के द्वारा कोई कार्य हो तो आपको क्या लगाना है, ओवर। जैसे आई डू नॉट वॉन्ट टू से, आई डू नॉट वॉन्ट टू से ओवर द टेलीफोन, मैं टेलीफोन के द्वारा कहना नहीं चाहता हूं, मैं टेलीफोन के द्वारा कहना नहीं चाहता हूं, जब द्वारा वाली बात हो तो आपको क्या लगाना है, ओवर। क्या लगाना है, ओवर, तो आपको ओवर का यूज करना है। क्लियर? आगे ओवर का प्रयोग शासन के अर्थ में होता है, ओवर का प्रयोग शासन के अर्थ में होता है, कैसे, अकबर रूल्ड ओवर इंडिया, अकबर ने भारत पर शासन किया, अकबर ने भारत पर शासन किया। अब शासन वाली बात होगी तो आपको क्या लगाना है, ओवर। क्लियर? आगे देखिए ओवर का प्रयोग के क्रम में या में, क्रम वाली बात हो तो आपको क्या लगाना है, ओवर लगाना है। जैसे वी हैड टू मीटिंग्स ओवर डिनर, रात के खाने पर दो बैठक थी। अब क्रम वाली बात होगी, अब एक बैठक के बाद दूसरी बैठक होगी, जब क्रम वाली बात हो तो आपको क्या लगाना है, ओवर। रात के खाने के बाद दो बैठक थी, दो, टू बैठक, टू मीटिंग्स, रात के खाने के बाद दो बैठक थी, जब बैठक वाली बात हो गई तो आपको क्या लगाना है, ओवर। क्या लगाना है, ओवर। आगे ओवर का प्रयोग, ओवर का प्रयोग दूर किनारे पर, यदि किसी सेंटेंस में दूर किनारे पर बात हो तो आपको क्या लगाना है, ओवर। जैसे दे लिव ओवर द स्ट्रीट, वे गली पर रहते हैं, दे लिव ओवर द स्ट्रीट, वे गली पर रहते हैं। जब किनारे वाले अंत तक की बात हो तो आपको क्या लगाना है, ओवर लगाना है। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।